Hello student, good morning. With in your all family, first of all, every student it is the maintenance discipline. मैं class 2 का lesson 1 social study पढ़ाने जा रहा हूँ. इस पर आप ध्यान देंगे बच्चे, इस लेसन में जितने भी वोकैबुलरी वर्ड है, कठिन वर्ड है, मैं बोर्ड पर रिटर्न कर दे रहा हूँ और इसे एक बार मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ. सबसे पहले सोशल स्टडीज, सामाजिक अध्ययन, स्पेलिंग याद कर लेंगे. ईच, ईच मीन्स होता है प्रत्येक, यूनिक अद्वितीय, अस हमें, न्यू नया, बिकॉज क्योंकि, वर्ल्ड दुनिया या संसार, लाइक पसंद करना या सम्मान. नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है मी, मीन्स मुझे, ऑल सभी, स्पेशल, स्पेशल का स्पेलिंग पर ध्यान देंगे, SPECIAL, स्पेशल मीन्स खास, डिसलाइक, DISLIKE, डिसलाइक मीन्स होता है ना पसंद, एक्टिविटी गतिविधि, स्पेलिंग ACTIVITY, एक्टिविटी मीन्स गति, एंजॉय ENJOY, एंजॉय मीन्स आनंद, हॉबी, हॉबी मीन्स शौक, स्पेलिंग HOBBY. मैं लेसन 1 का पार्ट का नाम है अबाउट ऑल अस, पार्ट का नाम है जी अबाउट ऑल ऑफ अस, हम सभी के बारे में. बुक आप लोग के सामने है, बुक पर ध्यान देंगे. पहला पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ, ईच ऑफ अस इज यूनिक, हमें प्रत्येक अद्वितीय है, एंड ईच इज न्यू, और प्रत्येक नए हैं. सो बिकॉज देयर इज नो वन इन द वर्ल्ड लाइक मी एंड यू, और इस संसार में मेरे और आपके जैसा और कोई नहीं है. वी ऑल आर स्पेशल टू, हम लोग सभी खास हैं. मेरे प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ, लाइक एंड डिसलाइक, आप लोग के सामने बुक हम दिखा दे रहे हैं. लाइक एंड डिसलाइक, पसंद और नापसंद. व्हाट डू पीपुल लाइक डिसलाइक टू डू, कुछ लोग का कुछ और पसंद होता है, कुछ का कुछ और. इस लाइक एंड डिसलाइक में आप देखेंगे दे मे लाइक ईटिंग, टॉकिंग, प्लेइंग, सिंगिंग, वे खाना पसंद करते हैं, बात करना पसंद करते हैं, खेलना पसंद करते हैं, सिंगिंग यानी गाना पसंद करते हैं. अलग अलग पीपुल यानी लोग का अलग अलग व्यू होता है,
लाइक एंड डिसलाइक। नेक्स्ट पैराग्राफ है हॉबी। हॉबी मीन्स होता है शौक। द एक्टिविटी पीपुल इंजॉय टू डू इज कॉल्ड ए हॉबी। रीडिंग गुड बुक्स इज ए गुड हॉबी। जिस गतिविधियों को लोग करने में आनंद लेते हैं उसे हॉबी कहते हैं। कहने का मतलब कि किसी भी कार्य को जब हम आनंद पूर्वक करते हैं, शौक से करते हैं, वह क्या कहा जाता है? हॉबी यानी शौक कहते हैं। रीडिंग गुड बुक्स इज ए गुड हॉबी। जैसे अच्छे पुस्तकें पढ़ना अच्छी आदतें है, तो हर मनुष्य का अलग अलग शौक होता है। किसी बच्चा से पूछा जाए व्हाट इज योर एम, तो वह बच्चा अपना लक्ष्य बताता है कि माई एम इज रीडिंग गुड बुक, माई एम इज बी ए डॉक्टर। अलग अलग बच्चे का अलग अलग एम यानी लक्ष्य होता है। हर छात्र को, हर व्यक्ति को अलग अलग शौक होता है। मैं इस चैप्टर में, अगले वीडियो में आएंगे, इस चैप्टर को मैं इतना ही पर खत्म करता हूं। स्टे होम सेव लाइफ। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।